नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें दोस्तों, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा चोर पकड़ने का मंत्र। तो इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हुए अगर आप तो आप कोई भी चोर को पहचान सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो विधि है, सवा पाव चावल को 3 दफ़ा आपको पानी में धोकर गौमूत्र में भिंगोना है, ठीक है। फिर पीछे सुखाकर धर लेना है, ठीक है, रख लेना है मतलब। और शनिवार के दिन प्रातः काल मतलब सुबह के टाइम धरती में उसे लिपना है, है ना। और कपड़ा बिछा के चावल में उसके ऊपर चावल को उसके ऊपर से धर मतलब रखना है, उसके ऊपर ही रखना है, ठीक है। मतलब चावल के साथ रखना है उसे। और 108 बार जो मैं मंत्र बताऊँगा उसे पढ़ना है। तो मंत्र है, ओम नमो नरसिंह वीर ज्यो ज्यो चाले कौन चाले, चोर का चित चाले चोर के मुख में लोही चाले, खाया थामी माया परे करे जो चोर के मुख लोही न चलावे तो गोरखनाथ की आज्ञा मेटे, नवनाथ 84 सिद्ध की आज्ञा मेटे। मंत्र एक बार और बता दूँ दोस्तों, मंत्र है, ओम नमो नरसिंह वीर ज्यो ज्यो चाले कौन चाले चोर चोर का चित चाले चोर के मुख में लोही चाले, काया थामे माया परे करे जो चोर के मुख लोही न चलावे तो गोरखनाथ की आज्ञा मेटे, नवनाथ 84 सिद्ध की आज्ञा मेटे। एक बार विधि और बता देता हूँ। विधि है, 100 पाव चावल 3 दफ़े पानी में धोकर गौमूत्र में भिगोए, पीछे सुखाकर धर ले, शनिवार के दिन प्रातःकाल धरती लीप कपड़ा बिछा कर चावलों को उसके ऊपर धरना है और 108 बार मंत्र को पढ़ना है, ठीक है। और हर बार मंत्र पढ़कर चावल को फूंकना है, ठीक है। फिर वे चावल किसी भी डिब्बे में रख देना है। फिर जिन जिन पर चोरी का संदेह हो या शक हो उसके ऊपर कुछ दाना मतलब उसे खिलाना है। जो चोर होगा उसके मुंह में खून आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। और दूसरा प्रयोग है आज के चोर को पहचानने के लिए है, और चोर पकड़ने का था, अब चोर पहचानने का। तो मंत्र पहले बता देता हूँ। मंत्र है, ओम नमो इंद्राग्नि बंद बंधय स्वाहा, ओम नमो इंद्राग्नि बंद बंधय स्वाहा। इस मंत्र को आप कंठस्थ कर ले दोस्तों। एक बार और बता देता हूँ, मंत्र, ओम नमो इंद्राग्नि बंद बंधय स्वाहा। तो विधि है, चोरी होने के बाद यदि किन्हीं व्यक्तियों पर मतलब कोई व्यक्तियों पर संदेह हो तो भोजपत्र पर उन व्यक्ति का नाम लिखना है और जो मंत्र में उच्चारण कर बताया उस मंत्र को उच्चारण करते हुए अग्नि में एक एक आंची डालना है, आपको डालते जाना है, ठीक है। उन नाम में जो उस नाम में वास्तविक चोर का नाम होगा तो वह आग में नहीं जलता है दोस्तों, और जो सब जल जाए तो वह चोर नहीं है। यह प्रक्रिया आप रविवार शनिवार को करना उपयुक्त रहेगा। इस साधना के एक और प्रकार हैं दोस्तों। दूसरा प्रकार है, भोजपत्र पर सभी संदेह इस पद व्यक्तियों के नाम मंत्र लिखे जाएं और उसे सफेद मुर्गी के गले में बांध दे जाएं। उस मुर्गी को एक टोकरे से ढांप दे। जिन व्यक्तियों पर संदेह उनको एक एक करके टोकरे पर हाथ रखने के लिए कहें। जब चोर कहाँ टोकरे पर पड़ेगा तो वह मुर्गी बोल उठेगी दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और आपको कैसा मंत्र चाहिए, कौन से मंत्र चाहिए और तो यह कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसी क्षेत्र में वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।